नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कहने वालों ने भी क्या खूब कहा है कि प्यार रंग रूप और खूबसूरती नहीं देखता, बस जिस पर दिल आना होता है आ जाता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, अब यह कहावत काफी पुराना हो चुका है। आज 21वीं सदी है और इस जेनरेशन में रूप रंग सूरत सीरत खूबसूरती ग्लैमर यह सब सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसलिए अच्छा दिखना और प्रेजेंटेबल रहना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी की दूसरी चीजें। अक्सर हमने लड़कियों को अपनी सुंदरता बरकरार रखने के लिए और अच्छी पर्सनैलिटी पाने के लिए कई तरीके अपनाते हुए देखा है, लेकिन इस मामले में हम लड़के हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। ऐसे में कुछ लड़के कुछ भी पहन लेते हैं या फिर कैसी भी हेयर स्टाइल रख लेते हैं, जिसकी वजह से लड़कियां तो छोड़ो ठीक से, लड़के भी ऐसे लड़कों को दोस्त नहीं बनाते। जो लड़के खुद का ख्याल नहीं रखते या फिर वह स्मार्ट या हैंडसम नहीं दिखते। दोस्तों आज का समय ऐसा है कि यदि कोई व्यक्ति सुंदर और आकर्षक नहीं लगता है तो ना ही वो अपने पसंदीदा लोगों के साथ उठ बैठ सकता है और ना ही कोई उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अब लड़कियों के साथ साथ लड़कों में भी सुंदर और आकर्षक दिखने की चाहत होती है। वे भी चाहते हैं कि लोगों द्वारा उनकी प्रशंसा की जाए। जिस तरह लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि लोग खास तौर पर लड़के उनकी तारीफ करें, ठीक उसी प्रकार की यही ख्वाहिश कुछ लड़कों में भी होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लड़कियां केवल उन्हीं लड़कों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है जो शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखने के साथ सुंदर व आकर्षक भी होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी बेस्ट टिप्स बताने वाला हूँ, जिसे अगर आपने अच्छे से जान लिया तो केवल 7 ही दिनों में आप भी क्यूट और हैंडसम बन जाओगे। तो आइए जानते हैं उन टिप्स के बारे में। नंबर 1, अपने ड्रेसिंग सेंस को अपने शरीर के अनुसार सुधारें। देखो दोस्तों, स्मार्ट और हैंडसम दिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने शरीर के हिसाब से कपड़ों का चयन करें, क्योंकि लोगों की नज़र सबसे पहले आपके कपड़ों पर ही पड़ती है। इसलिए कपड़ों का चयन आपको अपने रंग के अनुसार ही करना चाहिए। सांवले और रंग वाले लड़कों पर हल्के कलर काफी सूट करते हैं, इसलिए उन्हें हल्के हरे, लाइट ब्लू और लेमन कलर के कपड़े ही पहनने चाहिए। इसके अलावा उन्हें सफेद और डार्क रंग जैसे कपड़ों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी रंगत और गहरी लगने लगती है। यदि आपको हल्के रंग पसंद ना हो तो आप काला, नेवी ब्लू और गाढ़ा भूरा रंग भी पहन सकते हैं, क्योंकि यह कलर आपको बेहद ग्रेसफुल लुक देगा। और याद रहे, बेवकूफों की तरह चमकीले और ज्यादा चुस्त कपड़े मत पहनना। जो कपड़े आपके शरीर पर सूट हो उसे ट्राई करना। और याद रहे, ज्यादा से ज्यादा लाइट कलर वाले टी शर्ट पहनने की कोशिश करें, क्योंकि लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव टी शर्ट पहनने वाले लड़के ही लगते हैं। और अगर आप फुल शर्ट पहनते हैं तो शर्ट को फोल्ड करके ही पहने, जिससे कि यह आपके लुक को और भी निखार देगा। नंबर 2, सही जूते के साथ एक सस्ती सी घड़ी भी पहने। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति किसी दोस्त गर्लफ्रेंड या फिर रिश्तेदार से मिलने के लिए जाता है तो उसका आकलन सबसे पहले उसके जूतों को देखकर ही लगाया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी पर 4 चांद लगाने में जूतों और घड़ी की सबसे अहम भूमिका होती है। इसलिए आपको जूतों का चयन सोच समझकर ही करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अच्छी घड़ी के साथ अच्छा मोबाइल फोन भी कैरी करते हैं तो ये आपके लुक को और भी 4 चांद लगा देता है। नंबर 3, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स है, शारीरिक रूप से फिट रहें। देखो दोस्तों, अच्छा लुक पाने के लिए आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शरीर को अच्छे से फिट रखता है उसकी मार्केट में एक अलग ही वैल्यू रहती है, उनका अपना एक अलग ही स्वैग रहता है, जिसके कारण लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित होती है। जैसे कि मान लो कि कोई बंदा बहुत स्मार्ट है लेकिन उसकी बॉडी बिल्कुल ही वीक है, वह बहुत ही ज्यादा पतला है, तो क्या ऐसा व्यक्ति किसी को भी अच्छा लगेगा? देखो दोस्तों, सब उसे यही ज्ञान देंगे कि भाई आप स्मार्ट तो हो लेकिन अगर आप अपना वजन बढ़ा लेंगे तो आप और भी आकर्षक लगेंगे।
वजन अधिक या कम दोनों ही स्थिति में व्यक्ति बदसूरत लगता है, क्योंकि लोगों के लिए आज अच्छा व्यक्तित्व ही सब कुछ है। इसलिए जिम करके या नियमित रूप से व्यायाम करके भी आप अच्छी बॉडी के साथ अच्छा व्यक्तित्व भी पा सकते हैं। और एक अच्छी पर्सनैलिटी लोगों को भी काफी इंस्पायर करती है उन्हें भी फिट रहने के लिए। फिट रहने के लिए आप हमारी यह वाली वीडियो भी देख सकते हो। नंबर 4, अपने चेहरे का खास ख्याल रखें। चेहरे को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे दूध व दही को मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे का रंग निखरता है और चेहरे का कालापन भी दूर होता है। इसके अलावा बेसन के पाउडर में अदरक का रस मिलाकर उसे स्क्रब की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी या एलोवेरा भी चेहरे पर लगा सकते हो, जो कि आपके चेहरे की डार्कनेस को दूर करता है और एलोवेरा आपकी स्किन को भी सॉफ्ट रखता है। पॉइंट नंबर 5, हमेशा चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखें। अब दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि 24 घंटे सिर्फ स्माइल वाले बॉल की तरह हंसते ही रहो। नहीं दोस्तों, कहा जाता है कि हंसता हुआ चेहरा किसी बेगाने को भी आपका दीवाना बना देता है। तो दोस्तों, अगर आप में वीडियो में बताए गए सभी गुण हैं, लेकिन आपका चेहरा हसमुख नहीं है, तो यह सारे गुण आपकी पर्सनैलिटी पर फीके पड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करो जो हमेशा अपने चेहरे पर गुस्से का भाव रखता हो, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करना चाहोगे? नहीं ना। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति से मिलो तो आपको अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रखनी चाहिए, ताकि सामने वाला इंसान आपसे मिलकर खुश हो सके। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।